अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमन नजीब और आप देख रहे हैं फोर एंटर्स की एक और वीडियो। कराल का एक और बहुत खूबसूरत मॉडल दिखाने के लिए आपको लाया हूं। कराल का एक और बहुत खूबसूरत मॉडल आपको दिखाने के लिए लाया हूं। इसको खोलते हैं, देखते हैं ये कैसी गन है। यह जी कराल पंचर नाइट। तो इसको खोलते हैं जल्दी से। खूबसूरत सा हार्ड केस है इसका, वही जंबो वाला डेजल वाला वही हार्ड केस इसके साथ भी है। खूबसूरत है और मज़बूत भी है और अंदर फोम वगैरह ये लगा हुआ है। वाव हाहा हू जी, खूबसूरत है। इसके साथ नाइट ये ऊपर लिखा हुआ है, बुकलेट है इसकी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसको आप नेमेसिस क्रॉल नेमेसिस भी कह सकते हैं और क्रॉल नाइट भी। नेमेसिस मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, मुकम्मल इसकी वीडियो बना चुका हूँ। नेमेसिस याद होगा शायद आपको, ये नाइट है, इसको नेमेसिस भी कह सकते हैं, इसको भी नेमेसिस कह सकते हैं। दो नामों से ये लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, जो वो आई थी वो नेमेसिस, जो बाकी मार्केट में वो गई थी वो नाइट के नाम से। तो ये नाइट भी आ गई है हमारे पास। तो देखते हैं इस गन को, इसके साथ है क्या। हाँ जी, दो मैगजीन है, सिंगल शॉट ट्रे और ये फिल अडॉप्टर है इसके साथ, और ये है इसका बाइपॉड, ये भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। निकालते हैं एयर गन को। वाह, खूबसूरती तो इसकी चेक कीजिए ज़रा। ये जी सेमी बॉल पॉप एयर गन है, फुल पीछे स्टॉक नहीं है, सेमी बॉल पॉप है। स्टॉक के ऊपर आप चीक रखेंगे अपनी, जबकि बॉल पॉप में अक्सर वो इसके मेन मशीन के ऊपर ही आपकी चीक आती है। तो इसको पीछे स्टॉक दिया गया है, बिल्कुल लीवर की पोजीशन इस हवाले से वो आगे चली जाती है। लेकिन इसको देखा जाए तो वो कराल का कराल जंबो और दूसरी कराल पंचर ब्रेकर वही लीवर है, वो तो खैर वो सीधा है, ये मॉडिफाइड है। इसको ये देखें नीचे किया गया है। हू पार, करीब से दिखा दूँ। यह जी क्रॉल पंचर नाइट, बहुत खूबसूरत स्टॉक है इसका। पीछे जी ये रबड़ पैड है और एडजस्टेबल है, इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पे है इसका चीक रेस्ट, बिल्कुल इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिंथेटिक स्टॉक है और स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है। ये क्या बना हुआ है, ये डिज़ाइन है इस तरफ। हाँ, इस तरफ आप स्पेयर मैगजीन यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे क्या लगाएंगे ये अभी मुझे भी नहीं पता। खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, थंबल स्टाइल। ये स्टाइल ज़ाती तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे पसंद है। पिस्टल ग्रिप स्टिपलिन है लेकिन ज़्यादा उभार नहीं है इनका, हल्की हल्की हैं। ये है जी इसकी सेफ्टी मैनुअल सेफ्टी क्रॉल पंचर नाइट। पावर एडजस्टर है इसका, कम ज़्यादा पावर आप इसकी कर सकते हैं। गेजें, बिल्कुल ये दो गेजें हैं, एक है प्रेशर की और एक है रेगुलेटर की गेज। ये रेगुलेटेड गन है और नीचे दिया गया है इसका ट्रिगर, ट्रिगर भी मॉडिफाइड है। ऊपर दी गई है जी 22mm की पिकटिनी वीवर रेल, जिसको आप स्कोप लगा सकते हैं। 23 इंच की लंबी, फुल्ली श्राउडेड इसकी बैरल है और आगे एंड पे थ्रेड दिया गया है, जिसके आगे आप अपनी मर्जी का सप्रेसर मॉडरेटर लगा सकते हैं। ये थ्रेड कवर है, यहाँ से आप करेंगे इसको फिल, इसको रबड़ दिया गया कवर निकाल लो यार, यहाँ पे फिल अडाप्टर लगा के
इसको करेंगे फिल। इसके साथ इस तरह के दो मैगजीन हैं, सिंगल शॉट ट्रे और ये फिल अडाप्टर, और इसके अलावा एक ये खूबसूरत सा बाईपॉड भी इसके साथ है। ये बाईपॉड पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। बिल्कुल ये ऐसे खुल जाता है, मज़बूत है, ये चीज़ मेटल की है, बाकी फाइबर का है। यहाँ पे लगाएंगे आप, और ये ग्रिप भी है। क्रॉल पंचर नाइट की प्राइस है जी 1,05,000 रुपये। आप हमसे ख़रीद सकते हैं, नीचे नंबर दे दूँगा। हार्ड केस के साथ दो मैगजीन, सिंगल शॉट ट्रे है, फिल अडाप्टर, और ये है इसका बाईपॉड। इसके अलावा ये 0.22 में है, आप इसको 1.77 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और 0.25 में भी इसको आप चेंज कर सकते हैं इसकी बैरल। और ये जो पैलेट प्रॉब है ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और बैरल और इसकी किट मुकम्मल लेना चाहें तो वो भी दस्तयाब है, वो अलग से आप 10,000 में हमसे परचेस करेंगे। ये जी एक बैरल एक्स्ट्रा, ये 2.5 में है, 1.77 में भी ले सकते हैं आप। और इसके साथ तो जो दो एक्स्ट्रा मैगजीन 2.5 में, एक पैलेट प्रॉब और एक की इसके साथ आएगी। पैलेट प्रॉब आप चेंज करेंगे और मैगजीन भी और बैरल भी, तो ये 0.25 में हो जाएगी। इसके लिए आपको ख़रीदने पड़ेंगे एक्स्ट्रा 10,000 रुपये। इंशाल्लाह जी बहुत जल्द इसका फुल रिव्यू बनाएंगे कि ये रेगुलेटेड हमें कितने शॉट्स दे सकती है और एक्यूरेसी इसकी कैसी है। एक्यूरेसी पहले भी इसकी बहुत अच्छी थी, वो नेमेसिस का मैंने रिव्यू बनाया था, अब उन्होंने मॉडिफाई करके भेजा है। क्रॉल कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मॉडिफाई की हैं, और स्पेशली बैरल को अच्छे तरीके से अंदर से पॉलिश वगैरह करके बैरल को इम्प्रूव किया है, तो यकीनन एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। तो इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे बहुत जल्द इसको। ये थी जी आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।